नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। और टीवी 24 की टीम है एक फिल्म के सेट पे। फिल्म का नाम है गंगा राज एक प्रेम कथा। तो आपको इस फिल्म के राज से मिलवा चुके हैं, राज के पिताजी से भी मिलवा चुके हैं, अब मिलवाते हैं गंगा से। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पल्लवी गिरी जी, जो हमारे साथ हैं। बहुत दिनों बाद हम मिले हैं इनको। आपने बहुत सारे हिट सॉन्ग का हिस्सा बनते हुए देखा होगा, अभी फिल्मों में आ चुकी हैं। तो भैया, जो आप लोग 3 मिनट देखते थे ना, 2 घंटे देखने के लिए तैयार हो जाइए। सो कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। नमस्कार, मैं पल्लवी गिरी और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। सो ये एल्बम इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर, मजा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। क्या बात है यार, आज इंडिपेंडेंस डे है तो हम लोग भी सोचे कि आज हम सज धज के घूमेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा देसी लुक आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बिंदी प्यारा लग रहा है। आज ये क्या हुआ ना, आज मैम का शूट नहीं है, इनको ज़बरदस्ती मैंने बुला लिया है। तो मैम चाहती है कि बोलना कि मैडम आप बिना मेकअप के बिना सिंपल ही बहुत अच्छी लगती है, और सच में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और हम लोग ऑन स्क्रीन देखते हैं जिनको एकदम चुलबुली अंदाज में डांस करते हुए, और सडनली हम एक फिल्म में देख रहे हैं। कल इनका एक फ़ोटो हमने देखा था, प्रॉपर होता है ना एक वाइफ किरदार में सिंदूर लगाया हुआ, तो वो आई थिंक मैंने पहली बार देखा था। इससे पहले किसी गाने में ऐसा लुक नहीं किया था शायद आपने? नहीं नहीं, वैसे नहीं किया, साड़ी पहना है बट वो लुक कभी नहीं किया है। मतलब अब तक लगता था कि अरे कोई बच्ची है बच्ची, अब लग रहा बच्ची बड़ी हो गई है। बच्ची बड़ी हो गई है, शादी करवा देना चाहिए, राइट? सभी लोग तो हो ही गई है। नहीं, सभी लोग यही कहते हैं कि बच्ची बड़ी हुई है, अब शादी करवा देना चाहिए। अरे तो फिर कहाँ मिलेंगी हमें पल्लवी जी, जो हमें इंटरटेन तो करती हैं 3 मिनट के गाने में, अब साथ ही 2 घंटे में आ रही हैं। तो भैया मज़ा आने वाला है, बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है। खैर, अब बात करते हैं गंगा के बारे में। सो ये गंगा जो है ये किस तरह किरदार है, मतलब पल्लवी जैसी ही है कि पल्लवी से बिल्कुल अपोजिट है? नहीं, गंगा का जहाँ बात आती है, आप जानते हैं कि गंगा कितनी पवित्र पवित्र हैं जी। और आज से नहीं, ये जब गंगा जब हुआ था उसका, तो तब से ही गंगा एक मतलब पवित्र ही हैं, और इस फिल्म में भी पवित्र दिखाया गया है। जो स्टोरी है उसे स्टोरी के अकॉर्डिंग भी वो अपना काम तो करती हैं, बट गंगा बिल्कुल पवित्र और बहुत सीधी और बहुत ही अच्छी हैं। तो इसमें मतलब हम कुछ वैसा ही देखेंगे कि एक गंगा की स्टोरी हम बेसिकली देख रहे हैं, और उसी के आगे पीछे राज भी घूम रहा है। हाँ, राज घूम रहे हैं, मतलब हमने सिमरन राज की बहुत सारी कहानी सुनी है, हम भोजपुरी इंडस्ट्री के गंगा और राज को देखेंगे। हाँ बिल्कुल, उसमें पिताजी भी हैं, आड़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं, मेरे पिताजी नहीं हैं। अच्छा, राज के पिताजी हैं। अच्छा, इसमें राज के पिताजी हैं। चलिए, तो ये एक स्टोरी है जिसका खुलासा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का सेट है, जिस तरह से हमने सबसे बात की फिल्म के बारे में, तो एक्साइटमेंट जरूर बढ़ गया है कि भैया इस फिल्म को देखना है। खैर, अब जानते हैं पल्लवी जी से कि अभी कौन कौन सी फिल्में उनकी ऑन द फ्लोर हैं, और आने वाले टाइम में हम कहाँ कहाँ इनको देख सकते हैं, और जरिया क्या है। तो अभी और कोई फिल्में की हैं, जैसे जो इस फिल्म के एक्टर हैं उनके साथ दूसरी फिल्म है, तो पहली फिल्म का रिलीज़ का क्या है, और अभी कौन कौन सी फिल्मों का हिस्सा बनने वाली हैं, बन चुकी हैं? अभी मेरे इनके साथ दूसरी फिल्म है, और इसके पहले मतलब फरवरी में हम लोग शूट किए थे मैं तेरा दीवाना करके, तो वो अभी रिलीज होने वाली है कुछ दिनों में। उसका लुक आउट हुआ था कुछ दिन पहले। जी जी, देखा था। थैंक यू, देखा था। थैंक यू। हम आपको फॉलो करते हैं हर जगह। इसके लिए भी डबल थैंक यू। सो इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? इसके अलावा 2 फिल्में मेरी और रिलीज होने वाली हैं, एक आलोक कुमार जी के साथ छठी मैया करके है फिल्म, तो वो छठ के टाइम में रिलीज होगा, और एक मुन्ना रंगबाज है वो दिवाली के टाइम रिलीज होगा, और एक भैया जैसन केवना जो कृष्णा कुमार जी के साथ की थी, तो वो भी मुझे लग रहा है कि 1.5 महीने के अंदर रिलीज हो जाएगी। मतलब बैक टू बैक रिलीज है। इस फिल्म के बाद आपका क्या मतलब शेड्यूल है? इसके बाद कंटिन्यू मेरी 3 फिल्में हैं बैक टू बैक। तो फिर हमें वो पल्लवी जी कहाँ मिलेंगे जिनको हमको दुल्हन बना ला वाला टच देखा था, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि उसको बस छोड़ दिया पीछे और आगे बढ़ गई? नहीं नहीं, बेशक आपके लिए मैं करूँगी, ऐसा नहीं है। मेरे लिए करेंगी? छोड़ूंगी नहीं। वैसे आप लोग की जैसे अंकुश राजा के साथ आपका ये सबसे बड़ा हिट सॉन्ग था, आज भी यूपी बिहार में शादियाँ इस गाने के बिना इनकम्प्लीट है। खासकर हम लड़कियों की बात की है तो इस गाने में जब तक ना नाचे ना मज़ा नहीं आता है। तो जब भी इस गाने को होते हैं तो उनके साथ कोई गाना, क्योंकि वो जोड़ी तो हमें समझ में आ गई, उनको इनके साथ कोई गाना आने वाला है भाई, बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल आने वाली है, राजा जी के साथ तो नहीं, बट उनके भाई जो अंकुश जी हैं उनके साथ अभी मैंने 2 वो किया था,
सावन और उसके पहले एक अभी एक स्कूल वाला गाना की थी, शायद आपने देखा होगा, ए सर करके, तो वो बहुत ही प्यारा था स्कूल, मतलब मैं देखी तो काफी लोगों ने बोला कि स्कूल का याद आ गया क्योंकि वो नोकझोंक वो लड़ाई झगड़े बच्ची को लेंगे तो स्कूल की याद आएगी ना। नहीं, वो लोग मेरे लिए काफी वेट किया था, मतलब 2 महीने वेट किया था क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि क्यूट फेस, छोटा फेस, मतलब इंडस्ट्री में किसी के है नहीं, पल्लवी जी का है, पल्लवी जी को बुलाया जाए। उस टाइम मैं सूट पे थी तो उन्होंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, 2 महीना वो लोग वेट किया था मेरा। क्या बात है। खैर, और जैसे कि मैंने बताया कि एल्बम में अंकुश राजा, वैसे बात की जाए राजा जी के साथ भी गाना कर चुकी हैं, अंकुश जी के साथ भी, लेकिन यकीन हमें उनके साथ आपकी जोड़ी बहुत पसंद की जाती है, उनके गाने में आपको बहुत देखा गया। वैसे फिल्म इंडस्ट्री में आपकी जो इसमें को एक्टर हैं बिमल जी, उनके साथ जोड़ी पसंद की जा रही है अभी क्योंकि फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर फोटोज़ आते रहते हैं, हम इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, उसके जरिए आप लोग की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो अपने जो को एक्टर हैं इनके, जब पहली बार मिली थी तो क्या, मतलब क्या था एक्सप्रेशन कि कैसे लगे थे, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। पहली बार तो मैं मिली थी एक फिल्म के मुहूर्त पे, काफ़ी अच्छे लगे थे। मैं सोची कि अरे भोजपुरी में इतने हाइट वाले, इतने अच्छे पर्सनालिटी कहाँ से आ गए। मैं शौक दी, मैंने बोले चलो अच्छी बात है, मीन्स कि उस टाइम भी मेरी उन्हीं के साथ फिल्म थी, 2020 की बात बता रही हूँ मैं। तो उस टाइम तो हम लोग की कुछ प्रॉब्लम से वो शूट नहीं हो पाई थी फिल्म, बट जब हम फरवरी 2022 में मिले फिल्म के सेट पे, तो मैंने उनको बताया कि बिमल जी मैं वही पल्लवी हूँ जो कि हम लोग मुहूर्त में मिले थे, तो उन्होंने तब पहचाना। फिर अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, अच्छे नेचर के हैं, सपोर्ट बहुत करते हैं, समझाते हैं बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे इंसान है। और दो फिल्में ऑलमोस्ट हो ही गई एक तरह से देखा जाए तो, क्या उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी कोई फिल्म में आप लोग साथ में साइन कर रहे हैं? कर चुके हैं मतलब भैया एक और जोड़ी तैयार है, तो भैया पसंद करना शुरू कर दीजिए क्योंकि ये लोग तो धमाका करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जैसा कि जानते हैं इंडस्ट्री में जोड़ियां हिट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल निरहुआ एंड आम्रपाली दुबे, सो सबसे बड़ी हिट जोड़ी है जो अब तक साथ में है, और इनकी जोड़ी जब पर्दे पर आती है तो सीटियाँ बजती हैं। और वैसी एक जोड़ी कहें कि यंगेस्ट कलाकार जो इंडस्ट्री के हैं वो लोग लेकर आ रहे हैं, तो हमें दो फिल्में के लिए तो तैयार हैं, तीसरे के लिए भी आ जाएंगे, चौथे पाँचवें। ओ माय गॉड, मतलब दो के बाद 3 और फिल्में हैं, ये एक्सक्लूसिव है कि नई जोड़ी तैयार है? चलिए बिल्कुल, ये हमारा नहीं है, आप लोगों का प्यार है और कुछ नहीं, आप लोगों की जोड़ी अच्छी लगती है। सोशल मीडिया की कमाल है कि भैया ये जोड़ी सच में पसंद है लोगों को। नहीं, हम लोग रील्स भी बना के डाले हुए थे, अभी तो फिलहाल टाइम नहीं मिला इस सेट में, पिछले सेट पे हम लोग डाले हुए थे, तो काफ़ी मतलब काफ़ी वायरल हुआ था वो रील्स, काफ़ी वायरल हुआ था, मतलब हर एक लोगों के फ़ोन में, व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के रील्स पे, सब जगह वो वायरल हुई थी। क्या मिस कर दिया यार, वो कौन सा वीडियो था, देखेंगे हम जरूर, भेजूंगी जरूर। चलिए इंतज़ार रहेगा। खैर, मैं बता दूं कि जैसा कि बोला कि इस फिल्म के सेट पे हैं, सो बेस्ट विशेस इस फिल्म के लिए भी और ये जो अपकमिंग 3 फिल्म है उनके लिए भी, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि बाकी जो 3 फिल्में हैं शूटिंग होगी तो हम आएंगे ही आएंगे और उसका अपडेट आपको देंगे ही देंगे। कुछ नाम वो फाइनल हुआ है? फिल्म के नहीं, अभी नाम नहीं, नहीं फाइनल हुआ है, बताया नहीं गया है, बस साइन कर दिया गया है। एक बताया गया है, दीवाना मैं या तू, वन मोर, जैसा कि मैंने नाम दिया है उनको, रोमांटिक हीरो ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, और फिल्में भी वैसी मिल रही हैं। हमारी दोनों फिल्में मतलब बिल्कुल लव स्टोरी बहुत, मतलब बहुत ही अच्छी है। मैं तेरे दीवाना भी की थी और जो अभी हम लोग गंगा राज कर रहे हैं ये भी बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही अच्छी है, बहुत मतलब आप लोग बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि इसमें हमें गंगा दिखने वाली है, गंगा दिखने वाली है अलग, मतलब ये जो बच्ची है, नहीं नहीं अब बड़ी हो गई हैं, तो इनका अलग अलग करता है, क्योंकि हमें कुछ हद तक मुझे बता दिया गया है हीरो द्वारा कि एक महिला प्रधान फिल्म है, आपको इसमें एक महिला की स्टोरी दिखाई जाएगी, थोड़ा सा जात पात से रिलेटेड है, और जो नेचुरल चीज़ें हैं जो रियल में दिखाया जाता है कि एक अगर सपोज कि एक नाचने वाली है या फिर मतलब एक नाचने वाली के ही ऊपर लेते हैं कि नाचने वाली है तो उससे कोई शादी नहीं कर सकता है, राइट, बिकॉज वो तुम मतलब उसको डायरेक्ट पूछ दिया जाता है तुम्हारा क्या जात है, तुम तो नाचने वाली हो, तुम्हारा कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो तुमसे क्या मतलब, क्या धर्म है, कुछ है ही नहीं है। तो यही चीज़ मतलब दर्शाया गया है इस फिल्म में भी कि एक लड़की है तो उसको लड़का तो प्यार तो कर लेते हैं लेकिन शादी के टाइम में शादी नहीं करते हैं,
लेकिन गंगा एकदम पवित्र है और बिल्कुल एक ही लड़का से वो प्यार की और उसके बावजूद भी जो मतलब जो लड़का होता है वो ठुकरा देता है। अब सोचिए कि ठुकराने के बाद उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगा, एकदम टूट जाती है गंगा, एकदम से मतलब बिखर जाती है। उसके बाद का मूवी आएगी तब। खैर, हम इनसे फिर मिलेंगे और भी मज़ेदार बातें करेंगे और ये फिल्म जल्दी आपके बीच आएगी, इससे जुड़े सारे अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। इनकी जो आने वाली 3 फिल्म है उसके अपडेट्स भी हम जल्द देंगे, इनसे जुड़े सारे अपडेट्स भी मिलेंगे यहीं पे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV24।